सभी का स्वागत है एग्रीस्टेन चैनल पर। कल हम लोगों ने बात की थी बॉटनी के प्रमुख शाखाओं पर। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग सही कर लीजिएगा, कि जो जीवों का जगतीय वर्गीकरण है तो उसमें थोड़ा गलत हो गया था, करोलोसिनियस हो गया था, अभी करोलोसिनियस नहीं है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जीवों का पांच जगतीय वर्गीकरण, तो जीवों का पांच जगतीय वर्गीकरण जो है किसने किया था, तो वो है R.H. Whittaker ने 1969 में। इसका पांच जगतीय वर्गीकरण का क्रम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, जगत है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये पांच जगतीय वर्गीकरण R.H. Whittaker ने 1969 में किया है। जो R.H. Whittaker से वो वैज्ञानिक आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि R.H. Whittaker को। नेक्स्ट है हमारा पिछले वीडियो में जो मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पांच जगती का विस्तृत वर्गीकरण। नेक्स्ट है हमारा जीवों का छह जगतीय वर्गीकरण, वाइस एंड कैंडलर ने 1990 में किया था। यहीं पर हमने पिछले वीडियो में करोलोसिनियस बता दिया था, आप लोग सही कर लीजिएगा। जो पांच छह जगतीय वर्गीकरण है ये वाइस एंड कैंडलर ने 1990 में किया था। इनकी जगत का वर्गीकरण यूबैक्टीरिया, आर्गीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु है। इसमें बाकी इनका जगतीय वर्गीकरण ये समान था, केवल यूबैक्टीरिया और आर्गीबैक्टीरिया चेंज हो गए हैं। यह है वाइस यह है महान वैज्ञानिक कैंडलर जी। आप लोग पिछली वीडियो को देख लें और उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।